यही चीज देखी जाती है कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए आपसी भाईचारा। 2014 में मैं जब चुनाव जीता था, जब यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज नेता उस वक्त एनसी और कांग्रेस के यहाँ पे लड़ रहे थे मेरे साथ, तो जब मैं जीत के डोडा बस स्टैंड पे हमने पहली जीत की रैली की थी, जब वहां मीडिया वालों ने मुझे पूछा था कि आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, मैंने एक ही बात कही थी कि डोडा के भाईचारे को हम टूटने नहीं देंगे, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने के लिए हमारी प्रायोरिटी होगी कि यहाँ का भाईचारा मजबूत। और यह हकीकत है कि जिस इलाके में भाईचारा मजबूत होगा तभी जाके वहां पे डेवलपमेंट भी हो सकती है, वहां का विकास भी हो सकता है, तरक्की भी हो सकती है। आप कांग्रेस में रहे, एनसी में रहे, कोई पीडीपी में भी होगा, लेकिन इस वक्त जो सरपंच साहब ये बात अपनी रख रहे थे कि अगर देश को आजाद हुए अगर वहां पे डिस्पेंसरी नहीं, आज भी अगर वहां हाई स्कूल नहीं, तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उसके लिए जिम्मेवार है, कौन सी ऐसी सरकारें यहां पे रही। आप लोग एनसी के हार्डकोर रहे, कांग्रेस के हार्डकोर रहे, लेकिन जो मैंने हालत देखी है, आप ब्राह्मण कांस्टिट्यूंसी के साथ थे, देसा का इलाका था आपका, पूरा सराज का इलाका पार कर, लेकिन देसा इलाके में भी मैं जब चार दिन लगातार पैदल, राम प्रसाद जी यह बाकी हमारे मंडल प्रधान बीडीसी चेयरमैन गवाह, पूरे इलाके में हम घूम के जब देखा तो आज भी सड़क बिजली पानी के लिए लोग तरसते। ये ठीक है कि हर जगह ये चीजें नहीं पहुंच पाई है, लेकिन बिल्कुल कोई रब्ता नहीं, पूरी की पूरी पंचायतें कट ऑफ है, इसका कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा, वो आपको, आप भली भांति उसके लिए जानते हो, आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं ये विश्वास से कहूंगा जिस सरकार को चलाते हैं उनका एक ही कहना है, एक ही मकसद है कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास। ये शायद कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती है कि हिंदी वर्ड है विकास, विकास ही डेवलपमेंट होती है। जब हम सबका साथ होगा, सबका विकास भी होगा, सबका विश्वास भी होगा, और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ के हम इस देश को आगे लेने का काम करेंगे। और जो आज भी जो दिखते लोगों को है, बिजली पानी सड़क स्कूल जो भी समस्या है, उनको हम कैसे दूर कर सकेंगे, वो काम हमको करना होगा। 2014 से पहले की सरकारें भी आपने देखी, 2014 के बाद की सरकार, जब मोदी सरकार बनी, उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरी सरकार गरीब को, मजदूर को, किसान को समर्पित हो। आज अगर आप देखेंगे यहाँ पे किसानों को पैसा मिलता है तो कोई भेदभाव किसी से है, कोई पीएमएवाई का अगर मकान मिलता है तो टारगेट है कि 2014 से पहले हम गरीबों को पक्के मकान दें, क्या उसमें कहीं बोला है कि नहीं जी वहां फुलेर सिंह को मिले। अगर 5 लाख का अगर आयुष्मान भारत कार्ड अगर बना है तो सबके लिए बना है, इलाज अगर ट्रीटमेंट फ्री होगा तो सबके लिए होगा। बहुत सारी स्कीम, 3 साल से अगर राशन अगर फ्री कोविड के टाइम से मिल रहा है तो क्या उसमें कोई भेदभाव हुआ। जब स्कीम्स में जो बेनिफिट्स लेने के लिए कोई भेदभाव नहीं, लेकिन जब चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, उस वक्त यहाँ के एनसी के कांग्रेस के लीडर वो जात पात पे लेके, नहीं शायद बड़ा खतरा है, इस्लाम को खतरा है या किसी और चीज को खतरा है। अभी सरपंच साहब ने भी शुरुआत की अपनी स्पीच में, कलमा पढ़ के अपनी स्पीच की शुरुआत की, किसने इनको रोका। अभी अगर टाइम होगा नमाज का, आप जाके ऊपर बहुत बड़ा हाल बना है, आप नमाज पढ़िए, मैं देखता हूँ कौन आपको रोकता है। किसी ने पूजा पाठ करनी है तो वो अपने पूजा पाठ करे, कौन उसको रोकता है। जब इलेक्शन आता है तब खतरा आता है, जब इलेक्शन खत्म होता है तो किसी को कोई खतरा नहीं, सब नॉर्मल तरीके से रहते हैं। ये आपको समझना होगा कि अगर हम आज भी सड़क बिजली पानी स्कूल के लिए तरसते हैं तो क्या कारण रहे। अगर इतने एक्टिव सरपंच आपके हैं,
इतने बोलचाल वाले सरपंच आपके पास है तो क्या रीजन है? उसका रीजन एक ही होगा कि जो सरकारें पीछे रही है, जिनके साथ आप जुड़े रहे, जिन लीडरों के साथ आप जुड़े रहे, उन्होंने कभी भी आप पे ध्यान नहीं दिया और उनको जरूरत भी नहीं पड़ी। उनको पता है कि जब चुनाव आएगा तो हम जात पात की राजनीति करेंगे। आज आप देखें, कोई कांग्रेस का कोई लीडर कहीं दिखता है? कोई एनसी का कहीं दिखता है? आज बीजेपी के कार्यकर्ता फील्ड में लगे हैं, चाहे कोविड का टाइम हो, बीजेपी का कार्यकर्ता उस वक्त अगर मास्क सैनिटाइजर कोई फ्री राशन बांटने की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसमें लगा। कांग्रेस एनसी पीडीपी कोई दिखती नहीं। आज कांग्रेस से हमारे एक बहुत बड़े लीडर जो कांग्रेस से निकल कर डीएपी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, तो परसों मुझे कोई कह रहा था कि नहीं जब डीएपी नहीं अब होगी पीएपी। मैं कहूं वो क्या हुआ पीएपी? उसने बोला जी प्रोग्रेसिव अलायंस पार्टी। 50 साल दिल्ली में रहे, यहां के चीफ मिनिस्टर रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, पार्टी के बड़े बड़े पदों पर रहे, तो जाके हालत देखे उनके गांव के, अपने गांव तक सड़क अभी नहीं पहुंचा पाए, तो आज वो जम्मू कश्मीर के विकास और डेवलपमेंट की बात करते हैं। बड़े स्टेटमेंट मैंने उनके सुने, बड़े भाषण सुने कि मैं जब चीफ मिनिस्टर रहा मैं डबल शिफ्ट में काम करवाता था, ट्रिपल शिफ्ट में काम करवाता था। हमारे सामने यहां पे एग्जांपल है गणपत ब्रिज की, 2006-07 में शुरू किया था, 2014 तक 8 साल में 2 पिलर खड़े हुए थे, वो डबल और ट्रिपल शिफ्ट कहां गई थी? और ये कहा जाता था कि नहीं जी पिलर टेढ़े हो गए, डिजाइन फेल हो गया। लेकिन जब मैं यहां का विधायक, यहां का एमएलए बना, मैं चीफ मिनिस्टर को यहां पे लेके और जो कंट्रेक्टर था उससे बात करके एक साल के अंदर गणपत ब्रिज को वो कहीं होगा कि 50 में कहा था ये नहीं चलेगा। स्पेशल स्टेटस, क्या बेनिफिट मिला किसी गरीब को मैं जानना चाहता हूं? या यूटी बनने में क्या नुकसान हुआ? अगर यूटी बनने में सबसे ज्यादा किसी को बेनिफिट हुआ तो हमारे गुज्जर भाइयों को उसका फायदा हुआ। पूरे देश में एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है कि वहां के जो गुज्जर समाज के, गुज्जर बकरवाल वहां के एसटी जो समाज है उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, जैसे एससी कम्युनिटी को हो ऐसे एसटी को भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जितने भी गुज्जर चौधरी जो बरादरी थी वो केवल उनको वोट बैंक के तौर पर एनसी और कांग्रेस ने यूज किया, कभी उनको रिजर्वेशन नहीं दी। यूटी बनने के बाद आपको रिजर्वेशन मिली और आज 10% 9 या 10 जो एमएलए यहां के बनेंगे वो आपकी बरादरी से होंगे। जब किसी समाज को पॉलिटिकल बैक होती है, जब उसकी रिप्रेजेंटेशन कहीं असेंबली में होगी तो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने आपको केवल वोटर बना के रखा कि हाँ जी आप वोट करो तो बस हम जीतते रहे, हम आगे बढ़ते रहे, आपका कभी कुछ नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी ने एक एमपी बनाना था जम्मू कश्मीर से, और जो हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे थे इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, उनको राज्यसभा का नॉमिनेट एमपी उनको किया गया। पिछले 10 सालों से पार्टी से जुड़े हुए थे और भी बड़े सारे कार्यकर्ता थे। आपको जमात वैसी जमात आप अंदर घुस के देखिए, बीच में रह कर देखिए, बीजेपी में ऐसी कोई बात नहीं। दराज इलाके में, इस पिछड़े इलाके में मैंने बड़ी बार बात की कि अभी भी कुछ चौधरी भाई हमारे साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद जब एक गवर्नमेंट की तरफ से था कि क्लस्टर विलेज, एसटीज का क्लस्टर मॉडल विलेज बनाना है, मैंने उठा के सीएम से लड़ाई करके भखना में वहां पे उनको सैंक्शन करवा गाल के, वोट कुछ नहीं था, कोई वोट नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनका काम किया और 10 करोड़ रुपया उनके लिए वहां पे सैंक्शन। बहुत सारी स्कीम आपके लिए है उनका, हमारा एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य होता है कि इलाके को किस तरीके से डेवलप किया जाए। उनके काम का देशा का इलाका देख के, मैं 4-5 दिन वहां उस इलाके में रहा,
वहीं से मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा ये ललूर का इलाका है, शेखलीप का इलाका है, सारा तो हमने पैदल घूमा, लेकिन आपका भी इलाका है बड़ा फार फ्लंग जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो आपकी डिमांड थे उन पर आज से ही फोकस करें, क्या डी पी आर बनी है नहीं बनी है, नहीं बनी है तो उसको बनाने का काम हो और उसको कहीं सही उसकी सेंक्शन हो ताकि आपका रोड का काम हो, बाकी मसले मसाइल जो भी हो, मैं ये आपको विश्वास दूंगा, ये भरोसा दूंगा कि आप बीजेपी से जुड़े रहे, आने वाले टाइम में जब वो कश्मीर में जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज ये बोलते हैं कि नहीं जी कांग्रेस तो कह रही यहाँ पे जम्मू प्रांत में बाकी जगहों में है, तो इस एरिया में कांग्रेस अगर कमजोर हुई है तो डीएपी बनी है या पीएपी बनी है, ना डीएपी बने कुछ ना पीएपी से बनेगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीत के जाएगी और जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। उसके लिए आपको काम करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, अपने पोलिंग बूथ पे अपनी पंचायतों में। मैं जानता हूँ कि इतने लोग अगर 200 लोग यहाँ अग्रस की समाज के हैं, आपका रिलेशन आपका कंटेक्ट न केवल ललूर तक बल्कि पूरा देशा में बाकी भागवा में जैसे सरपंच साहब कह रहे थे बाकी इलाके में भी जहां जहां आपका कंटेक्ट है उनसे बात करके और भारतीय जनता पार्टी से उनको जुड़वाइए। कोई किसी को खतरे की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस यहाँ पे है, कभी भी आप डोडा आते हो कोई काम होता है जरूर यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होंगे, कोई मंडल अध्यक्ष होगा, कोई भी होगा, मेरा भी नंबर फोन नंबर रखिए, किसी को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी हमारा फलाना मंडल प्रधान, पहले उसको फोन करेंगे वो फिर आगे मिले साहब को करेगा फिर मिलेंगे, ना ऐसी कोई बात नहीं, कभी भी डायरेक्ट आ सकते हो, कोई रोक टोक की यहाँ पे कोई यहाँ वो बांडे या कोई दूसरे वाले जो थे ना कि पहले उनको सलाम मारना सलूट मारना उसके बाद हम कहीं वाली के पास पहुंचते थे, वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। उसका एक ही कारण है कि हम सारे कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, ये नहीं है कि कोई एक आदमी की वजह से चलती हो, 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। आपका भी सौभाग्य है कि आज आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं और जिस मिशन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं हमारा पूरा सहयोग और पूरा साथ आपके साथ होगा। इसी विश्वास से यहां से हम अलग होंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत का करेंगे और जितने भी आपको दिख रहे हैं मंच पे हमारे सीनियर कार्यकर्ता ये लगे हैं अपने मिशन में कि किस तरीके से हम स्ट्रेंथन करें पार्टी को मजबूत करें। कुछ लोगों को रहता होगा कि शायद ये आएगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमारा लक्ष्य होगा कि जितने ज्यादा लोग पार्टी में जुड़ेंगे उतनी पार्टी मजबूत होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।